Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. All of you take out page number 70 of your maths textbook. Favorite month. Aaj ka topic hai favorite month. Let's read the story. One day Sona, Arjun and Zeba were talking about their favorite months. So, yahan par teen log baat kar rahe hain. Sona, Arjun and Zeba. Theek hai? अपने फेवरेट मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो सोना बोलता है, माय फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून. आई कैन ईट मैंगोज देन. मेरे फेवरेट मंथ्स हैं मे और जून, क्योंकि मैं तब मैंगोज खा सकता हूं. फिर अर्जुन बोलता है, आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर. ओके, तो उसने कहा, अर्जुन ने कहा कि मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस आता है. जेबा ने कहा, आई लाइक जुलाई एंड ऑगस्ट बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स. मुझे जुलाई और ऑगस्ट पसंद है क्योंकि उन महीनों में बारिश होती है ना. तो सबके फेवरेट मंथ्स अलग अलग है. क्यों अलग अलग है? क्योंकि किसी को फ्रूट्स पसंद है जो उस सीजन में आते हैं, किसी को फेस्टिवल पसंद है, किसी को सीजन पसंद है ना. चलिए, तो आपके लिए क्या होमवर्क है? विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? कौन सा मंथ आपको बेस्ट लगता है? वो आंसर आपको यहां पर लिख देना है. उसके बाद क्या लिखना है? वाई, क्यों आपको वो मंथ क्यों अच्छा लगता है? जैसे कि सबने बताया, इसने बताया कि मई और जून में मैंगोज होते हैं इसलिए अच्छा लगता है, दिसंबर में क्रिसमस होता है इसलिए अच्छा लगता है, जुलाई और अगस्त में बारिश होती है इसलिए अच्छा लगता है. वैसे ही आपको भी अगर कोई मंथ पसंद है तो उस मंथ में कोई ना कोई फेस्टिवल आता होगा, जैसे कि दिवाली, होली, नवरात्रि. तो आपको किस वजह से वो मंथ पसंद है या फिर वो बेस्ट लगता है, वो आपको रीजन यहाँ पे लिखना है. ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ. अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि आपको उस मंथ में क्या करना अच्छा लगता है. अगर आपको गरबा खेलना अच्छा लगता है तो फिर आपको डांडिये की फोटो बना देनी है. इफ यू लाइक दिवाली तो आपको फायर क्रैकर्स की फोटो बना देनी है. ठीक है, ऐसे ड्रॉइंग कर देनी है. दैट्स इट. नाउ मूव टू पेज नंबर 71. नाउ लेट्स स्टार्ट. यहां पर क्या लिखा है? फिल इन द टेबल. टेबल में जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वो हमें फिल करने हैं. व्हाट आई लाइक बेस्ट. ओके, मुझे कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? यहां पर दिया है फ्रूट. फ्रूट्स में आपको कौन सा अच्छा लगता है? वेजिटेबल में आपको कौन सा अच्छा लगता है? फ्लावर में आपको कौन सा अच्छा लगता है? और मंथ्स इन विच इट कम्स. और हमें महीने भी लिखने हैं, मंथ भी लिखना है जिस मंथ में वो चीज आती है. सो अगर फ्रूट की बात हो रही है तो आई राइट मैंगो, MANGO मैंगो. ठीक है, कौन से मंथ में आता है? मई में, गर्मियों में आता है मई, या फिर मई एंड जून. ठीक है, फिर वेजिटेबल कौन सा पसंद है? पीज, PEAS, पीज. वो मटर होते हैं ना ग्रीन कलर के, वो तो वो वेजिटेबल कब आता है? ठंडियों में, मतलब ये सीजन में आता है. तो हम लिख देंगे दिसंबर. ठीक है, दिसंबर में आता है पीज. एंड फ्लावर कौन सा अच्छा लगता है? लोटस, LOTUS, लोटस. अगस्त में, बारिश के मौसम में होता है लोटस. ओके, चलिए, वैसे तो वो एवरग्रीन होता है बट स्टिल लोटस नहीं लिखना है तो वी कैन राइट सनफ्लावर. मे में होता है सनफ्लावर. ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, लोटस इन ऑगस्ट एंड सनफ्लावर इन मे. ठीक है, चलिए, राइट द नेम्स ऑफ फाइव फेस्टिवल्स दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट. ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम. ओके, तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ हम जो फेस्टिवल्स अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है होली, वैसे ही दिवाली, नवरात्रि, या फिर ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स या लाइक उत्तरायण, वो सब होते हैं. तो वो हमें यहाँ पर नेम्स लिखने हैं और यहाँ पर मंथ्स बताने हैं कि कौन से मंथ में वो फेस्टिवल आता है. सबसे पहले उत्तरायण आता है, तो मतलब मकर संक्रांति, संक्रांति, तो पहले लिख देते हैं उत्तरायण. उत्तरायण लिखो या मकर संक्रांति लिखो. सो इट कम्स इन जनवरी. Then comes होली. होली कब होती है? मार्च में. या यू कैन राइट द लोहड़ी फेस्टिवल.
सेलिब्रेटेड इन पंजाब, राइट, वो भी जनवरी में ही आता है, ठीक है, लोहड़ी फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट इज दिवाली, लेट्स राइट दिवाली, सॉरी स्पेलिंग डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली, ठीक है। ये कब आती है? इट कम्स अप्रॉक्स इन अक्टूबर, ठीक है, कभी कभी अक्टूबर में, कभी कभी नवंबर में आती है, तो यू कैन राइट अक्टूबर। नेक्स्ट इज नवरात्रि, नवरात्रि, ठीक है स्टूडेंट्स, सो नवरात्रि का आप मंथ लिख लेना, आई थिंक इट कम्स इन सेप्टेम्बर। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे ही आपको भी कंप्लीट करना है ये टेबल। नाउ दिस इज पेज नंबर 72। यहां पर क्या बताया है, ड्रॉ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स, जैसे कि पीछे वो पिचकारी पकड़ के बच्चे खड़े थे, वो होली का सीन दिखाया गया था पीछे पिक्चर में 71 पेज नंबर पर, वैसे ही आपको भी एक सीन ड्रॉ करना है जो भी फेस्टिवल आपको अच्छा लगता है उसका, नवरात्रि का, दिवाली का, या फिर लोहड़ी का, या फिर होली का, जिस चीज का भी, या फिर उत्तरायण का, काइट ड्रॉ कर लेना, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, दिस इज योर होमवर्क, ड्रॉ करना। पीछे भी पेज नंबर 70 पर भी आपको होमवर्क मिला है, वो कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।